हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि बर्मानी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में लव कटारिया, जो कि विनर की रेस में सबसे आगे हैं, बिग बॉस उन्हें पीछे करना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में जब से लव कटारिया बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अपना काम कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस कहीं ना कहीं उसको पीछे खींचने में भी लगे हुए हैं। जैसा कि पिछले सीज़न में भी हमने देखा था कि जो एक पर्टिकुलर राइटर जो व्यक्ति था, उसको भी पीछे खींचने में बिग बॉस ने बहुत मेहनत करी। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दिखाना कि एलविश की कॉपी है या एलविश की तरह ही बिहेव करता है बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लव कटारिया कोई ख़राब गेम खेल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और पीछे फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, चाहे हम ये कहें कि वो एलविश की ही फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है जो उसको सपोर्ट कर रही है, मेरा मानना है कि लव कटारिया एक विनिंग कैंडिडेट है और उसको जीतना चाहिए बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकियों के हिसाब से फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि एलविश के बाद अगर वो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में आया, क्योंकि ग्रुप तो उन्हीं का है ना, उन्हीं के ग्रुप में से अगर वो आया है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है कि अपने आप को प्रूव करने की कि वो भी एलविश की तरह बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 जीत सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो आप एक प्रेशर में भी होते हैं, तो उस प्रेशर में भी बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में लव कटारिया एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स वो एक अच्छा कैपेबल कैंडिडेट है। तो लेकिन बिग बॉस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब अरमान की उसके साथ विशाल के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जो लव कटारिया को मैसेजेस विशाल के फेवर में कम और अरमान के फेवर में ज़्यादा आ रहे थे, नेजी के फेवर में मैसेज जो हैं वो उसको कटारिया को जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कटारिया को पीछे खींचे और दूसरे लोगों को आगे किया जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिकली वोटिंग के हिसाब से ही अगर विनिंग कैंडिडेट होगा तो कटारिया हो सकता है। लेकिन ब्लॉग्स में एलविश ने भी ये बात बोली कि कटारिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाला जाता है कि वो उसको कहीं ना कैसे भी करके बाहर निकालें, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए जो एक रियल में अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अगर वोटिंग ट्रेंडिंग के हिसाब से चलें तो कटारिया विनर है, आज की डेट में भी वो विनर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो परफॉर्मेंस वाइज भी ज़ीरो हो तो शायद उसको निकालना बनने, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है और वो अच्छा कर रहा है तो उसको विनिंग कैंडिडेट में लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस जो कर रहे हैं उनको कटारिया के फेवर में भी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो देख रही है उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं कटारिया को, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंटेस्टेंट्स को, लेकिन सबके फेवर में थोड़ा इक्वलिटी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप नेजी के फेवर में चलते रहें या आप अरमान के फेवर में चलते रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अभी तक हो रहा है, क्योंकि नेजी के फेवर में बहुत सारे आप देखोगे कमेंट्स जो उसको भेजे जा रहे हैं कटारिया को, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि विनर कौन होगा ये तो पब्लिक ओवरऑल डिसाइड करेगी। 10 मैसेज या 20 मैसेज या 40 कमेंट नहीं डिसाइड करेंगे, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिग बॉस को एक अच्छा गेम खेलना चाहिए, जिससे कटारिया या एक अच्छा कैंडिडेट ही टॉप 2 टॉप 3 में हो, तो विनर वही बने। तो बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, कि ऐसे ही बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 की अपडेट्स सारी आने वाली है। थैंक यू।